तो महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रदेश में राशन वितरण में भेदभाव के नाम पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश भाजपा लगातार सरकार पर राशन वितरण में भेदभाव और भाजपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगा रही है। मैं एक बार फिर बालोतरा के मामले को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर निशाना साधा। वैश्विक महामारी को राजनीति का किस तरीके से अस्त्र बनाया कांग्रेस पार्टी ने कि उनके विधायक जिस तरीके से अफसरशाही पर लोग गालिब करते हैं और गाड़ी रोकने पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जब जवाब मांगा जाता है तो उसका जवाब आता है उस निष्ठावान ऊर्जावान और ईमानदार अफसर के तबादले के रूप में। मैं ये मानता हूं कि इसी तरीके से वो दम भरी आवाज थी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के बेगू के विधायक की। एक वानगी आज फिर देखने को मिली, केवल यही नहीं, चिकित्सा मंत्री जी के युवराज उनके सुपुत्र आज अजमेर की कलेक्ट्रेट में तिरंगा लगी गाड़ी पर विधायक के स्टीकर के समेत वहां दाखिल होते हैं, उनको सरकारी अमला रिसीव करता है।